क्या जिंदगी हो गई जब हमें हास्य खाते खाते बचपन से लगे अभी तक हास्य कर हास्य पी लिया, अभी बुढ़ापे के क्या अंदर ये काटू आया तो इसमें कुछ अटपटो लगे और कुछ ऐसा लगे कुछ नया नया कर। आलू की सबसे फेवरेट चीज़ है सर मेरी आलू का भुर्ता है, जैसे आलू की सब्जी वगैरह जो भी है, जैसे आलू वड़ा ये वगैरह जो भी खा लेते हैं रास्ते में भूख लगती है तो। आलू की सब्जी है, आलू की चिप्स है, आलू की टिकिया है और यह आलू की मिक्सर जिसको कहते फजली मिक्सर, यही है ऐसी चीज़ें। ये आलू तो मैंने बच गई है और कभी सब्जी में आलू बटले है, आलू गोभी है, आलू टमाटर है, ये सब्जी गई है। सर मुझे आलू से चीज़ें बनी हुई, आलू के कोफ्ते हुए, दम आलू हुआ, आलू की भाजी हुई, आलू के छोले वाली सब्जी हुई, बस ये सब पसंद है। आलू पसंद है सर आपको? आलू तो ऐसी चीज़ है जिससे साहब के बच्चे से लेकर सत्रह साल तक के बूढ़े तक जो भी है ना उन सबको आलू एक ऐसी चीज़ सबको पता नहीं, क्योंकि एक तो नगर बेचा पकड़े में भी जल्दी आता है और सारी चीज़ में सब लोग, इसलिए आलू सबको पसंद है, उसमें मेरे को कितनी पसंद होगी। तो सर आज हम आपको टेटर टोट्स खिलाने वाले हैं, आप उसे खाइए और खा के अपना फीडबैक दीजिए। क्या खिलाने वाले? टेटर टोट्स। टेटर टोट्स। नाम तो समझ में आ नहीं रहा है और ना हम बोल पाएंगे और तुम्हारा कहीं है कि जो ऐसी बात नई नई चीज़ें आ गए, इसको नाम अब आप लोग भी कैसे जानियो, ये तो आप लोग जानो मान तो कोई नहीं, तो जो भी कुछ सामने आएगा देखते। टेटर टोट्स। भाई जी एक बात तो बताओ, ये जो आपने नाम बताया टेटर टॉप, टेटर टॉप इसमें टेटर टॉप ये कहीं सर जो आपके उल्टे हाथ की तरफ रखा है ये जिसमें फोक है ये इसको टेटर टॉप बोलते हैं, टेटर टॉप ये। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पनीर का टुकड़ा हो। खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है और भूख भी बड़ी जोर के लग रही है मुझे, और दिखने में तो एक कुरकुरे सरे का लग रहा है मुझे। सर ये चटनी तो इसको ये चटनी तो कर ले आपकी मर्जी सर, अगर आप खाना चाहें तो आप चटनी के साथ कहिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। वो कहिए साहब के आलू की जितनी भी आइटम हो नहीं वो समोसा खाएं तो चटनी, चिप्स को खाए तो सेव, वही इसके साथ में कोई ना कोई जो मिलावट आती ना वो इसके साथ में हो तो ये खाने को मजा आता है। अब ये आलू भी घर में मिला हुआ, अब ये समुद्र की खिचड़ी बनाओ उसमें आलू, फजली मिर्चे बनाए तो उसमें आलू, उसमें जो ये जो जो चीज़ है इसमें ये एक एक चीज़ कभी अच्छी लगती है, इसमें खुद ना कुछ सब होना, अब ये चटनी चलो इससे इससे खा के देखना। सर ये पनीर है के क्या है, गेंद सरी की गोल गोल चीज़ें हैं, देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है, इसको खा के ही पता चलेगा कि क्या चीज़ है, खा के देख सकता हूँ सर। वाह क्या बात है, मान लो उस्ताद दिन बना दिया तुमने तो आज मेरा, बहुत ही प्यारी चीज़ खिली है। यो कहीं है समझ में नहीं आया यार, यो कहीं गई है अभी का कहीं कर आयो यो यो का। अच्छा आई आई
वाह साहब वाह, भारी टेटो है साहब, वाह। मजा आ गया। क्या बताया था सर आपने इसका नाम? टेटर टोट्स। टेटर टोस। टोट्स। टोस। इसको खाते वक्त ज्यादा चबाने की जरूरत तो पड़नी रही है, बहुत ही नरम और सॉफ्ट है ये, और गप करके अंदर भी चले जाता है। क्या जवाब नहीं आपको? इस शरीर का आइटम ना तो कभी खाया और ना कभी खाने को मिला सब, यहाँ जब भी आ नई नई चीज़ें तो खाने को मिली है। अब ये इसमें ऐसा लग रहा है सर जैसे मसाला मिला के इसको फ्राई वगैरह करा हुआ है, या पनीर के टुकड़े लग रहा है मुझे सर, इसको तल दिया हो फ्राई कर दिया हो। इसको खाने में ऐसा लग रहा है अंदर इसके अंदर जीरा मिला हुआ है, वो आलू तो ही सही, और आलू फ्राई करा हुआ भी देख लग रहा है मुझे, पर खाने में बहुत ही बड़ा मजा आ रहा है इसमें। सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पनीर के टुकड़े हैं ये, उसको फ्राई कर दिया हो, क्योंकि इतने नरम पनीर के टुकड़े ही दे सकते हैं। दरअसल सर ये आलू है। आलू तो टेस्ट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा वापिस से, अब ध्यान से करूंगा टेस्ट। हाँ यार ये तो आलू ही है यार। इसमें आलू तो ही सही, ना तो इसमें ज़्यादा मिर्ची है ज़्यादा, ना ज़्यादा नमक है इसमें, पर इसका कुरकुरा बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया। एक बात साहब वो कहना चाहूँ कि इतना सॉफ्ट और इतनी अच्छी चीज़, यानी कि चिप्स खावा वो भी कड़क, वो जो चिप्स के मिर्चन है नहीं वो भी कड़क, वो जो टिकिया है नहीं उसमें वो छोला से दही ने जमाने भर के खड़कड़म को करा, वो इसमें ऐसा बिना किसी उसके ना बिना किसी उसके बहुत ही आने सोसाइटी तो बहुत ही अच्छी लग रही साहब, बहुत अच्छी चीज़ साहब। मान गए यार, अमेरिका वाले भी इतने कलाकार होते हैं यार, कि आलू को इतना लजीज बना दिया फ्राई व्राई करके। मान गया यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आलू भी ऐसा होता है, मैं तो पनीर का टुकड़ा ही समझ रहा था। हमारे गली में जो आलू की चाट वाला आता है और इसको हरी चटनी में मिला लिया जाए तो सेम टू सेम उसके शरीर का लग रहा है। तो कहीं वो एक वो घिसनी आ गया तो मैं आलू ले खसे घिस के वो कहीं वो चूड़ा हो जाए, कहीं गुलगुल कहीं वो हो जाए, कहीं ऐसे वो हो जाए, और वो जिसमें देखो किसी चीज़ का वही नहीं, कितने अच्छे सॉफ्ट कितने अच्छे लगे, कितने बड़ी बड़े लग रहे हैं, जिससे हम तो वो खा खा के परेशान हो गया, वो फिर चले कड़क हो जाए तो खा भी जाए। अब इसमें देखो कितना रस कितना सवाद और कितने अच्छे लग रही है, अरे सब आनंद आया। हम सर जाते हैं शादी में तो माँ तवा सब्जी बड़ी प्यारी लगती है, बाकी मैं चाहूँगा कि माँ ये चीज़ होए टेटर टोस, क्योंकि इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती कुछ। मेरा 5 साल का भतीजा है,
वो स्कूल जाता है तो उसको आलू की चिप्स बहुत पसंद है, तो अक्सर टिफिन में उसको वही रख के देते हम। एक बार इसको रख के देंगे टिफिन में तो उसको खाते ही मज़ा ही आ जाएगा। मतलब ये जो आलू जो है ये तो खैर अपने, लेकिन इसके चलने के बाद एक तो इसमें थोड़ा कड़कपन, फिर इसमें मिर्च मसाले जीरावन और ऐसी चीज़ें अच्छे मसाले डाल के और बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ मेरी अपने लग रही है। दिखने में तो ऐसा लगता है ये कि बहुत ही तीखा है, पर इसको एक बार खाओगे नहीं आप तो मज़े आ जाएगा। ना तो ज़्यादा तीखा है और ना तो ज़्यादा मिर्ची है इसमें, ना ज़्यादा नमक है। बनाने वालों ने इतनी बढ़िया चीज़ बना दी कि उसको खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। एक बात और है साहब, इसमें अगर है वो जो हमारे औरतें हैं ना कभी आलू कैसे बोलते तो वो हरी मिर्च होती हरी मिर्च हरी उसको औरतें जो पीछे उसकी चटनी मिला देती, एक बार चटनी होती तो वो हरी मिर्च की तो वो मजा आता। और एक इसमें जो है नहीं कड़कपन कुड़कड़पन इससे सब और शरीर ने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया लगेगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ कि जब तक के कोई भी चीज़ अपन ने देखी है तो अपन दूर से उसको महसूस करके नहीं बता सकता अच्छी है कि बुरी है, जब तक उसको अपन खाएंगे नहीं उसको पता कैसे चलेगा। इस आइटम के साथ में सर एक एक गाना याद है, वो भी वो अमेरिका में गाना ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया जापान लव इन टोक्यो। धन्यवाद धन्यवाद। यू कैन काटो? यस सर। कुछ अभी आलू को काटा कहते ये ऐसे आलू जो मैं कभी देखने को नहीं, इसको काटा के कहते ये ऐसा मेरे आलू कभी गोल हो गए कभी तिरछे हो गए कभी चौड़े हो गए, लेकिन ये आलू कुछ अलग टाइप को दिखी तो कहीं है जो।